खुतबा इलाहाबाद में जब अलामा साहब ने इलाहाबाद में जाके मुस्लिम लीग की उस कन्वेंशन की सदारत की जहां पर उन्होंने ये खुतबा दिया, वो यही था कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, इब्तदा से एक अलहदा कौम है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज का दौर था। तो अलामा साहब की लफाजी उसमें इस तरह की है कि इंडिया या इंडिया से बाहर, इंडिया से अलहदा, हमें अलहदा सूबा या रियासत दी जाए, उसके अलावा हमारा गुजारा नहीं है। इस चीज के लिए अलामा साहब की नजर में जो वाहिद शख्सियत थी जो इस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा सकती थी, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जात। 1935 का जो एक्ट आया और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए तो मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई। 5 सूबों में वो डायरेक्ट हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, 2 सूबों में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बना ली, तो 7 out of 9, बल्कि 2 और सूबों में वो कोलिशन पार्टनर्स थे, जूनियर कोलिशन पार्टनर्स थे, तो सवाई पंजाब और बंगाल के तकरीबन तमाम सूबों में समहाउ और द अदर कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा बन गई। मुख्तलिफ अखबारात ने ये कहने शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग तो वाज़े अक्सरियत ही हासिल नहीं करती, मुस्लिम लीग तो पार्टी ही नहीं है, ये एक मोरीबंड लफ्ज इस्तेमाल किया जा गया, मोरीबंड पार्टी है, ये तो अशराफिया की पार्टी है, इसलिए कि मैस मोबिलाइजेशन बहुत कम थी। By the end of the day, it was proven to be a blessing in disguise for the Muslims of India. आइए जानते हैं कि ये blessing in disguise क्यों थी। कांग्रेस ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस ऐसी करवाने की कोशिश की जो कि बेसिकली कांग्रेस सेंट्रिक थी। गांधी का तस्वीर ऑफिसर्स में लगाने की बात हो गई, बंदे मातरम को नेशनल एंथम करार दे दिया, स्कूल जो थे वो मंदिरों में कायम किए गए और मुसलमान घरानों के बच्चों को जबरदस्ती कहा जाता था कि भेजें इन स्कूलों में, फिर पूजा करवाई जाती, फिर ये नहीं बल्कि मस्जिद में जब अजान का वक्त होता तो उस वक्त ढोल बजाए जाते, मुसलमान लड़कियों को बाकायदा कहा जाता कि तिलक लगाया जाए। और फिर कई जगह पर ऐसे वाकयात भी हुए कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में जहां पर राइट्स हुए या हिंदुओं ने डिस्टरबेंस क्रिएट की मुसलमानों के खिलाफ, फॉर एग्जांपल मस्जिद के सामने जाकर शोर मचाया या बैंड बाजा बजाया, तो गवर्नमेंट ने उन पर इंटरफेयर नहीं किया। ये जुल्म सितम 1939 में इख्तिताम पजीर होते हैं जब कांग्रेस राज अपने अंजाम को पहुंचता है। जिन्ना के कॉल पर पूरे बरसगीर के मुसलमान यौम निजात मनाते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। अब उनको एहसास हो चुका था कि उन्होंने इलेक्शंस में मुस्लिम लीग का साथ ना देकर कितनी बड़ी गलती की थी। मुसलमानों को यह समझ आनी शुरू हो गई कि अगर आज अंग्रेज के होते हुए कांग्रेस की हुकूमत में हमारे साथ ये मुश्किलात आ रही हैं, तो कल को जब अंग्रेज नहीं होगा तो इनके अंडर हम किस तरह से रहेंगे। तो लिहाजा उन्हें ये जो अल्टरनेटिव नजर आया, उन्हें ये नजर आया कि मुस्लिम लीग का फोरम एक ऐसा फोरम है, अगर हम उसे ज्वाइन कर लेंगे तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इसकी वजह से मुस्लिम लीग को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जब कांग्रेस रिजाइन करती है तो जिन्ना ये कहते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को वो कॉल देते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम निजात मनाने की। याद रखें 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही, लेकिन अब जो मुसलमानों की रिस्पांस आ रहा है डे ऑफ डिलीवरेंस पर वो बहुत ओवरवेलमिंग है और यूं लगता है कि शायद जिन्ना को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया। 1930 की दिहाई में इकबाल का रोल बहुत वाइटल था, वो जिन्ना को हमेशा लीडर ऑफ द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन इन द सबकॉन्टिनेंट कहते थे। लेकिन इकबाल की ये कहानी उनकी फैमिली से बेहतर कौन बता सकता है। तो अलामा साहब की शायरी का जो मेन लुबे लुबाब है वो मुसलमानों में अपनी मजहब तहजीब और सकाफत से जो शनाख्त है उसको अलामा साहब ने उजागर करने की कोशिश की, लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की कि देखें आपके जो आबाओ अजदाद थे, जो बुजुर्ग थे, जो मुसलमान थे, वो कितने अजीम थे और आप किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उस चीज को दोबारा अपने अंदर उजागर करें। अलामा साहब ने वो जज्बात मुसलमानों में वो शनाख्त दोबारा उजागर करने की कोशिश। तो अलामा ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये शेर पढ़ा, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी है।
कि ये शख्स आ गया है, ये मेरी बात को समझता है और जो होने वाला है वो इसी के हाथ। अलामा साहब से खतो किताबत के दौरान कायद आजम जावीद मंजिल तशरीफ लाए, अलामा साहब का जो आखिरी घर था वहां पर। मेरे वालिद ने उनसे पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा ये मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, इन्होंने बहुत कुछ हमें हासिल करके देना है, तो इनका खास ख्याल रखना और अदब मलूज़े खाते रखना। तो मेरे वालिद ने पूछा मैं इनसे ऑटोग्राफ ले सकता हूँ, और अलामा साहब ने कहा जरूर इनसे ऑटोग्राफ जरूर लेना। तो खैर कायदे आजम आए, मोहतरमा फातिमा जिन आई, जावीद मंजिल हमारे गरीब खान है, तो मेरे वालिद अपनी ऑटोग्राफ बुक ले थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सामने हाजिर हो गए। तो उन्होंने जावीद की तरफ खिताब किया और कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू यंग मैन व्हेन यू ग्रो अप। तो छोटा सा बच्चा था, वो चुप कर गया, समझ नहीं आया क्या जवाब। कायदे आजम ने एक दफा और फिर पूछा यू डोंट टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप, मुझे बताते क्यों नहीं हो तुमने बड़े होके क्या बनना। मेरे वाले फिर चुप हो गए, उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला गया। तो कायदे आजम ने अलामा साहब की तरफ देख के ना उसी तरह खफगी से कहा इट डज नॉट आंसर, इट डज नॉट टेल मी व्हाट ही इज गोइंग टू बी व्हेन ही ग्रोज अप, ये जवाब नहीं देता, मुझे बताता नहीं है इसने बड़े होके क्या बनना। अलामा साहब ने उसी लहजे में जवाब दिया ही विल नॉट आंसर, ही इज वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही हैज टू डू, ये बिल्कुल जवाब नहीं देगा, ये आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है कि इसने आगे जाके क्या करना है। तो ये वो लेवल था जो हजरत अलामा इकबाल की नजर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का था। कांग्रेस से जुड़े अखबार के तंज ने लफ्ज़े पाकिस्तान जुबान ज़दे आम कर दिया। बरसगीर का सबसे गरीब दोस्त बजट किस मुस्लिम रहनुमा ने पेश किया? मुस्लिम लीग ने कैसे कांग्रेस की हर चाल पलट दी? बरसगीर को मुतहिद रखने की आखिरी कोशिश कैसे नाकाम हुई? आप जानेंगे अगली किस्त में।